Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हाय माय लवली स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी? तो सुबह के 5 बज गए हैं और आपका वोकैबुलरी डेवलपर आपके सामने आ गया है कुछ अच्छे इडियम्स और फ्रेजेस को आपके सामने लेकर। तो गाइज, शुरू से लेकर एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है और एट द एंड ऑफ द वीडियो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि क्या आपने नया कुछ सीखा है। पिक्यूलियर वर्ड्स अच्छे वर्ड्स होते हैं और ये आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लेते हैं, आपके जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसमें थोड़ा सा ये एक एज का काम करते हैं। अगर आपको इन वर्ड्स के बारे में पता है तो कहीं भी आप अनजान नहीं लगेंगे और एक अलग से आप सिंगल आउट हो जाएंगे। तो आज का पहला पिक्यूलियर वर्ड्स है आपके सामने और वो है आपका पिंक। पिंक जो है एक कलर के लिए भी तो यूज़ होता ही होता है, पिंक का मतलब गुलाबी कलर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, पिंक जो होता है ये फीमेल कम्युनिटी के लिए भी आप लोग यूज़ करते हो। एक मूवी भी आपने देखा होगा, पिंक नाम से जो मूवी थी उसका मेन मोटो यही था, क्योंकि वो फीमेल ओरिएंटेड मूवी थी। तो अगर मैं बात करूं तो इट इज़ थॉट ऑफ एज अ कलर इंडिकेटिंग फीमेल्स, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अब आई होप आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा और यकीन हो गया होगा आपको कि क्यों उस मूवी का नाम पिंक था, क्योंकि ये कलर जो होता है पिंक ये आपका इंडिकेट करता है फीमेल कम्युनिटी को। और अगर मैं ब्लू की बात कर दूं, यहाँ पे जो ब्लू होता है वो आपका मेल के लिए होता है, ठीक है ना। मेल के लिए आप ब्लू यूज़ करते हो और फीमेल के लिए आप पिंक यूज़ करते हो। आई होप आप इसको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हाँ आपने कुछ नया सीखा है, तो जल्दी से एक थम्स अप दिखा सकते हैं आप, मुझे लाइक कर सकते हैं। और जल्दी से जो बच्चे आज नए आए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग क्या करेंगे, आपको एक काम करना पड़ेगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी अड्डा आपका अपना अड्डा और हमारी टीम के मेंबर बन सकते हैं। अगला वर्ड है आपके सामने, ये है पिंक एलिफेंट। अब आपको लगेगा कि सर क्या ये एलिफेंट है जो लेडी से रिलेटेड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पिंक एलिफेंट एक उस इमेजिनरी थिंग को बोलते हैं जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है और उस ड्रंक होने की वजह से उसको कुछ कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो यू कैन से दैट ही इज़ वॉचिंग अ पिंक एलिफेंट, शी इज़ वॉचिंग अ पिंक एलिफेंट। थोड़ा सा ह्यूमरस है, आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, इसीलिए ही ये जो वर्ड्स हैं ये शो जो है पिक्यूलियर बन जाता है। पिंक एलिफेंट मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं आप लोगों को, एन इमेजिनरी थिंग सीन बाय ए पर्सन हु इज ड्रंक। तो जो ड्रंक होता है फिर उसको पिंक एलिफेंट जो है वो दिखाई देते हैं। वेल, थोड़ा सा ह्यूमरस था, आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो तीसरा वर्ड है हमारा, वो है आपका पाइप ड्रीम। इंपॉर्टेंट, ये आपका एक इडियम होता है। अगर मैं बात करूं तो ये कई बार आपका आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। पाइप ड्रीम का मतलब होता है एक ऐसा ड्रीम जो आपका इम्पॉसिबल है, जिसको अचीव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको क्या बोलते हैं, पाइप ड्रीम बोलते हैं। अगर मैं इसको देखूं, एन इम्पॉसिबल प्लान, तो ए पाइप ड्रीम वो ड्रीम होता है जिसको आप यू कैन से जिसको आप पा नहीं सकते। तो गाइज, आपको ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइए, और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसी तरह के डेली के पिक्यूलर वर्ड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।